हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसे बिगनर्स बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बहुत कम केयर किसको जरूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे सिंगोनियम प्लांट के बारे में। तो बहुत ही अच्छा ये प्लांट लगता है और इसे आप जब भी खरीदें फरवरी या रेनी सीजन में से लेकर आए तो काफ़ी ईजिली ये लग जाता है। और काफ़ी सारे इसके अलग अलग कलर भी आते हैं, पिंक कलर भी आता है, लाइट ग्रीन भी आता है और ग्रीन भी आता है, पर ज़्यादा यही वाला कलर इसका चलता है। तो मैं यही वाला प्लांट लेके आई हूँ और मुझे काफ़ी पसंद ये है। वैसे आप कहीं भी टेबल वगैरह पर रख देते हो तो बहुत सुंदर ये लगता है। उसकी पत्तियाँ देखो, पत्तियाँ कितनी सुंदर है। तो इसकी पहचान भी पत्तियों से ही की जाती है सिंगोनियम प्लांट की। इसकी जो पत्ती होती है पीछे से काफ़ी लंबी लंबी होती हैं और एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे जब आप फरवरी और या फिर बरसात के मौसम में लगाते हो तो काफ़ी ईजिली लग जाता है। रफली भी आप लगाओगे तो ये लग जाएगा। तो इसे आप इसी मौसम में लेकर आए और तब इसको लगाएं। तो यहाँ बहुत सुंदर मेरा ये पॉट लग रहा है, छोटे से पॉट में मैंने इसको लगाया हुआ है। और आप चाहें तो इसमें से अलग अलग प्लांट निकाल के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो, अलग अलग गमलों में लगा सकते हो। और जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, 35 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो उस टाइम इसको आप अंदर ही रखें, उस टाइम से ये पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो किस तरह से इसे लगाना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यह पोट हमने ले लिया, ज़्यादा बड़ा पोट हमारा नहीं है, छोटा सा ही पोट हमने लिया है। तो जब भी आप पोट लें तो उसमें नीचे से होल जरूर बना दें। तो मैंने इसमें होल बना दिए हैं और इसके ऊपर हम पत्थर के टुकड़े रख देंगे। तो आप इस पे टीकरी, पत्थर के टुकड़े, दीपक वगैरह जो भी आपके पास हो उसके होल के ऊपर रख दें जिससे होल बंद ना हो। तो ये पत्थर के टुकड़े मैं इस पे रख रही हूँ और मिट्टी मैं इसकी पहले से ही तैयार करके रखती हूँ, बरसात से पहले ही तैयार कर रही थी। वैसे आप चाहें तो इसमें मिट्टी, बजरी, कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल रहे हैं। और साल में अगर आप 2 बार भी कंपोस्ट डालोगे तो इसको चल जाएगा। बहुत ज्यादा केयर ये नहीं मांगता है, बहुत कम केयर में ये तैयार हो जाता है। और पानी अगर आप बहुत ज्यादा इसे देते हो तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो पानी हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं देना है। और कभी गलती से लग भी जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा पानी हमें इसकी मिट्टी सूखने के बाद ही देना है। जब से मिट्टी पूरी तरह सूख जाए उसके बाद दोबारा आप उसमें पानी दें। तो जब भी हम इसको नर्सरी से कोई भी प्लांट हम नाल लाते हैं तो उसकी पूरी मिट्टी हमें हटा देनी है। और कई बार कई प्लांट तो ऐसे आते हैं नर्सरी से, उनकी क्या जड़ों में प्लास्टिक का पता नहीं क्या रिंग सा लगा देते हैं और फिर हम उसको वैसे ही लगा देते हैं तो हमारा प्लांट बाद में खराब हो जाता है। तो इसकी मिट्टी हमें बिल्कुल हटा देनी है चारों तरफ से, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो कोई भी प्लांट अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो मिट्टी आप जरूर हटाएं और उसके बाद इसे आप लगाएं। क्योंकि कई बार ये लोग चिकनी मिट्टी में भी लगा देते तो वो भी मिट्टी हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। ये पूरी मिट्टी मैंने इसमें से अच्छे से साफ कर दी है, अच्छे से हटा दी है। तो ये देख रहे हो मिट्टी मैंने पूरी तरह से इसे हटा दी, उसके बाद में इसे लगा रही हूं। अब इसे हम अच्छे से मिट्टी से चारों तरफ से कवर कर देंगे। अब देखो कितने सारे प्लांट इसमें तैयार हो चुके हैं। तो इसे बहुत सारे प्लांट एक बार हम ले आते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट से भी हम बहुत सारे कर सकते हैं, सिंगोनियम का प्लांट इससे भी हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इससे आप निकाल के अभी भी बहुत सारे, जैसे 5-6 प्लांट इसमें है तो हम अलग अलग गमलों में भी इसको लगा सकते हैं। तो एक प्लांट के रेट में काफ़ी सारे प्लांट हमें एकदम फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगेगा घना घना, तो इसलिए मैंने सबको एक साथ ही लगा दिया है। बाद में हम इनमें से निकाल लेंगे नए प्लांट। और मिट्टी से मैंने इसको अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दिया है। और जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो आप शाम के टाइम ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और लगाने के बाद आप उसमें अच्छे से पानी दे दें। तो मैं इसी मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दिया, दबा दिया अच्छे से चारों तरफ से। अब मिट्टी से मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छे से ही भर रही हूँ क्योंकि इसमें गमले में मुझे ज़्यादा पानी नहीं देना है, कम ही पानी इसमें देना है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को लगा सकते हो, इसको बहुत कम केयर की जरूरत होती है। और एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट भी आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो।
तो मैंने इसे लगा दिया है। लगाने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे। तो इस तरह से आप प्लांट लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।